बानिया में पाकिस्तानी निजात मारूफ टिकटॉकर महक बुखारी और उनकी वालदा पर दो नौजवानों के कत्ल का इल्जाम साबित हो गया। बरतानवी अदालत ने टिकटॉकर महक बुखारी और उसकी वालदा को दोहरे कत्ल के केस में मुजरिम करार दिया। हाशिम नामी दो नौजवानों की कार का पीछा करते हुए जानबूझकर हादसा करके कत्ल करने का जुर्म आयद किया है। दोनों मुलजमान ने अदालत के सामने सेहत जुर्म से इनकार किया है। दोनों को 1 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। महक बुखारी और उसकी वालदा के खिलाफ ये फैसला 3 माह के ट्रायल के बाद सुनाया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 21 साल नौजवान साकिब हुसैन की जानिब से टिकटॉकर महक बुखारी की वालदा के साथ तरीना ताल्लुकात बेनकाब करने और नाजेबा वीडियो इस्तेमाल करने की धमकी के बाद दोनों खवातीन ने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया और 11 फरवरी 2022 को उसकी कार का पीछा करते हुए हादसे से दोचार किया, जिसमें साकिब और उसका दोस्त मोहम्मद हाशिम हलाक हो गए। हादसे से कुछ देर कबल ही साकिब ने पुलिस को इमरजेंसी कॉल की थी, जिसमें उसने दो खवातीन की जानिब से अपना पीछा किए जाने और कत्ल के खदशे का इजहार किया था।